तो सिलवाना तो वोट ही नहीं मांगने थे, जगह कांग्रेस की टिकट मिल जाती जे क्लियर था। मंत्री जी तो फिर वो बुरा मान जे मेरे पे, तो मैं कहे बिना पहले भी कहा करूं मंत्री जी तो गोडा निवाण को नहीं आओ। आया कितना ग्रांट था इसका? इसका लगभग 2.5-3 करोड़ का लगभग। 3 करोड़ का लगभग ग्रांट आया और उसके बावजूद भी ये हालात है इसके। हालात के तो नरेश सेलवाल का ही जिक्र आओ है लोगों का, जो जो विपक्षी जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे जेजेपी के हैं चाहे बीजेपी के हैं, नरेश का ही जिक्र करो। नरेश आ गया तो 100% जीत जाएगा। या आमिर हुसैन के दर्शन नहीं करके राधी जड़े। अबे चौटाला भी परिवर्तन यात्रा करने लग रहा है उस टाइम। अच्छा ना ना नरेश सेलवाल को देंगे वोट तो, हमें सालजा को नहीं देंगे। हम सेलजा को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। सरकार बदलना चाहवा जी, कांग्रेस का राज लेवांगी। माड़ा ने कागज गणे से कहे जी का काम बनना है धंधा। हां कागजा में उड़ा दिया हम लोग। नहीं जी बीजेपी से तो हम छिक लिए, छिक लिए। कांग्रेस तो मतलब नहीं, उड्डा सरकार चाहिए। हां उड्डा सरकार चाहिए। 150 सेलवाल हाउस विरुद्ध कैंडिडेट टिकट खातिर। तो राम राम शबनम, मैं पिंकी किनाल और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा भाई। पीछे देखने लग रहे होगे ताऊ और बैठे हैं और साइड में युवा साथी भी अपने साथ मौजूद। आप देखो इन तो सारे तो बातचीत करांगे। राजनीति का माहौल लगातार देखा तो कल सारे के सारे दौरे पे थे। अभय चौटाला की देखा वो भी दौरे पे थे और बलराज कुंडू जी भी दौरे पे थे, अनूप दानक जी भी दौरे पे थे और नरेश सेलवाल, सारे के सारे जो राजनीतिक चेहरे थे वो निकल के जो ग्राउंड में आ गए। उनके बारे में बातचीत करांगे कि किसका माहौल बन रहा है, हर कौन सबसे ज़्यादा जो है ग्राउंड पर मेहनत कर रहा है। कैमरामैन साथी गाजे जल्दी राम राम ताऊ। राम 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 राम। वोट किसने देता 2024 में? हाँ किसका माहौल लग गया है अगले इलेक्शन में? मतलब सानी से तू बताता हूँ, मैं तन्ने पूछूँ मैं बता जाएंगे फिर बता दो। हाँ अगला साल किसने कौन सी सरकार बनाओ हो? हम तो किसान सा, ठीक है, किसान ना की सरकार है। हाँ ठीक बात है, बात तो ठीक है। या कौन चांदी किसान सा? किसान है, किसान हो। हाँ बीजेपी सरकार तक खुश हो को नहीं? बीजेपी तक खुश हो को नहीं? खुश है सारे ही खुश सको है जी सर, सारे तक खुश हो और के सारे खुश है जा। हां कोशिया कोशिया आज जो आया अच्छी से। अच्छा तो उन्होंने बता दे ना अपनी आई, रुको जी सारे रुको। अच्छा तो उन्होंने बता दे तेरे दोर वोट मांगन कौन सा नेता आया को नहीं आया? नहीं आया अभी लग जाओ को नहीं आया कोई। किस किस के नाम जाना, कौन से थी वोट गिरने हाग अपन, कौन से के नाम जाना है? बीजेपी ने रहा होगा उसी के सरकार बदलाव चाहिए, कांग्रेस का कांग्रेस बढ़िया काम हो। कांग्रेस की बात करा तो कैंडिडेट कौन घूमने लग रहा मैदान? कैंडिडेट तो सेलवाल हाउस विरुद्ध कैंडिडेट टिकट खातर तो सेलवाला देखो सेल जाने को है टिकट, मेरी पक्की है टिकट, सेल जागी तो कोई काटे नहीं सकता। ये सेल जा मार दो तो कोनी आई भी और पहला वो तो सेलवाल तो आ लिया। कई बार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा है उकलाना में कुदर ये भी मैं लड़ूंगी। मार दो तो आई कोनी सेल जा मेरे सेल वाला आता है। वोट किसकी है फिर, सेल जा की है सेल वाला की है? ये वोट जनवा की उनकी सर जागी तो सर जागी से सेल वाला के सेल। अगर दोनों आमने सामने आ जाए हैं सेल वाला निर्दलीय और सेल जा कांग्रेस से, फिर कांग्रेस से फिर वो सेलजा जीते है, फिर सेलजा जीते है फिर सेल तो वही ताऊ कहने लग रहा है फिर सेलजा जीते है। बलराज कुंडू भी कई बार लिया अपने पंचग्रामी में बस भी दे है। बलराज कुंडू का रस नहीं से अभी तक आया से राजी से कांग्रेस पे भी कांग्रेस पे राजी है पंचग्रामी। बीजेपी तो क्यों नाराज हो के माड़ा कर दिया? बीजेपी तो माड़ा ने कागज गणे से कहा जी की काम बनना चलता। हाँ बीजेपी से तो हम छिक लिए, छिक लिए सारा को मैं लूट के लेगी बीजेपी तो, घर तक का भी सारा एड्रेस लेगी। कड़ा पीछे आए तो कोनी मार दे पीछे 15-15 लाख को नहीं आया कड़ा, रे 1 रुपया को नहीं आ रहा जी।
मोदी का वादा 15 लाख ब्लैक मनी आपके खाते में दिया जाओगे? 1 रुपया भी नहीं आया जी। कौन नहीं आया? हाँ जी। ईब किस की तोड़ रुझान बनाओ? कौन सी सरकार? सरकार बदलना चाहूँ जी, कांग्रेस का राज लेवांगी। कांग्रेस का लेओगे? अगर बात करा नरेश सेलवाल और शैलजा दोनों उड्डा की सरकार चाहो कांग्रेस चाहो? उड्डे की सरकार चाहिए। उड्डे की सरकार चाहिए कांग्रेस तो मतलब नहीं, उड्डा सरकार चाहिए। हाँ, उड्डा सरकार चाहिए। तो नरेश सेलवाल अगर टिकट ना लेन पावे और शैलजा है फिर? ना ना, नरेश सेलवाल को देंगे वोट तो हम, शैलजा को नहीं देंगे। शैलजा को वोट नहीं देगो? नहीं देंगे। नरेश सेलवाल चाहे निर्दलीय आओ फिर भी बनाओगे? हाँ बिल्कुल, निर्दलीय आगे हम भी देवांगे वोट नरेश को। अनूप दानक भी 9-10 साल हो गए मंत्री है? 10 साल है, उसको हमने 1 वोट भी नहीं दिया। अरे ये तो मंत्री था आपके, काम करवा रखे तो? एक भी नहीं काम करवाया। काम को नहीं करवाया? देखियो कितने सूत्रे तो जोड़ के कुएं करवाए। ये तो हमारे गांव के सरपंच ने करे हैं, क्या ना करे था। सरपंच ने करे हैं और जोड़ का 2.5-3 करोड़ ग्रांट आया। किसने दिया हो? कुछ नहीं खा गए सरपंच, खा गया चाहे ग्रांट में कौन हो गया? ये कुएं कड़ा हो है ग्रांट में, देख तो लियो जी, कुछ भी कोनी हो रहा है। सिंगरी सिंगरी दास्तान नहीं लग रही है। अच्छा। और के लग रहा है? और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा। कितना रुपया लग गया होगा इस पर? ये लग गया होगा, लग गया होगा 1-2 लाख रुपया और के लगा रखा है। 3.5 करोड़ का ग्रांट में इतना रुपये लगे? गाँव राम ने आवाज क्यों नहीं उठाई फिर? गाँव ने जैसे उठाना चाहिए, कि इतने पैसे आ रहे हैं तो लगाने चाहिए। काफी टाइम हो गया आपके गाँव में कोई ऑब्जेक्शन, तो सब ने मिलकर उठाना चाहिए। फिर मेजोरिटी तो कोनी हुई फिर बिरादरी की? सही बात है, मेजोरिटी नहीं हुई। इनका कहना कि अकेले अकेले किस तरिया उठाओगे? राम राम ताऊ। राम राम। किसका के माहौल लग गया ताऊ? आने वाले समय में दोबारा तो फिर इलेक्शन होने वाले। जनता बदलाव चाहो है? बदलाव? हाँ बदलाव चाहो। हर कांग्रेस की सरकार चाण लग रही है। कांग्रेस की सरकार? हाँ, बीजेपी तो जमा बिल्कुल छिक लिए, गणी छिक लिए, जमा छिक लिए। छिक लिए तो छिक तो जैसे वायदे करे थे, उन वायदा तो एक भी पूरा को नहीं करे। 15 लाख का लालच दे के लोगों के वोट खसोट कर लेगी जी। और पेंशन का भी जहाँ सा दिया था कि मैं 3,000 करूँगा, पहले 2500 भी मसा थे, पसे करीब 3,000 का वायदा कर। 3,000 में आज तक सरकार चुनाव का टाइम आ गया, 3,000 हो एक नहीं। दुष्यंत का के माहौल लग गया? ये तो बीजेपी बीजेपी ने कहो, दुष्यंत आली तो बता दो। दुष्यंत का तो एंटी बीजेपी था दुष्यंत। अच्छा। और हमने बीजेपी हरानी थी, जहाँ तो वोट दे दिए थे दुष्यंत ताई। अच्छा। और वो बिटचोद उसका मैच जय मिलिया, हमें दुष्यंत के दर्शन नहीं करके राधी जड़े। अबे चौटाला भी परिवर्तन यात्रा करने लग रहा है उस तो? अबे अच्छा दुष्यंत, हाँ उस तो अच्छा। हाँ और ये सरकार किसकी आओगी फिर 2024? सरकार तो कांग्रेस की आनी है। कांग्रेस की आनी है? हाँ। कांग्रेस में भी फूट हो रही है, शैलजा न्यारी चल रही है, उड्डा न्यारा चल रहा है। देखो बड़ी पार्टी समुंदर है, समुंदर में तो नू लड़ दे झगड़ दे, बड़ा परिवार में लड़ाई करे है जी। हाँ लड़ाई तो रहेगी। आपने के इनके भी लड़ाई है? आपने के लागे है शैलजा मुख्यमंत्री बने है या फिर भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे? देखो हरियाणा में तो जाट बाहुबली राज्य है और जाट हुड्डा दी नेता मान चुके जी। हाँ तो हुड्डा का नेतृत्व में इलेक्शन चाहो आप भी हो? देख नेतृत्व तो पार्टी का नेतृत्व में होगा, कांग्रेस का नेतृत्व में असली बात तो हाईकमान करेगा जो भी करेगा। हुड्डा भी शैलजा भी खड़ी खड़ी देखे जाएगी, जिसे चाहोगे उसे दी मुख्यमंत्री बनाओगे। हाँ बीजेपी थी ग्रांट तो दिया, फिर अपने बंदा ने दिया, वो ठेकेदार खाएगी। ठेकेदार खाएगी? हाँ खाएगी। जोड़ की हालात किस तरह की है जोड़ पे खड़े? हाँ कितना खर्चा हो गया होगा इसमें? हो गया होगा 20-30 लाख हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ मिट्टी बेची है उनकी। आया कितना ग्रांट था इसका? इसका लगभग 2.5-3 करोड़ का लगभग। 3 करोड़ का लगभग ग्रांट आया है। और उसके बावजूद भी ये हालात है इसके? हालात के एक चमासा लिखा है, एक चमासे में सारी मिट्टी बहकन में गई, उल्टी में गई, उल्टी में गई। कोई पौधा नहीं कड़िया, कोई इस पर ब्लॉक नहीं लग रहा, पक्की नहीं कर रखा, पक्का नहीं कर रखा, कहीं कोई भी चार दीवारी नहीं, इतना हैवी ग्रांट आने के बाद भी कोई चार दीवारी नहीं है। तो आपने के लगा कांग्रेस की तरफ से 2024 में टिकट किसने मिला है? कांग्रेस की तरफ से देखो शैलजा नेता है, लोग नरेश पर राजी है, लोग नरेश पर? हाँ नरेश पर राजी है। अगर शैलजा भी नरेश को टिकट दे देगा नरेश जीतेगा पक्का, नरेश पक्का। हाँ वो उड़ा दे देगा तो भी फाइट में रहेगा। अगर नरेश नहीं अंदर शैलजा मैदान में आओ है तो क्या होगा? मतलब शैलजा फिर जीतेगी? शैलजा जीतेगी? हाँ शैलजा अगर आमने सामने आ जाए, दोनों आमने से दोनों आ रहेंगे, दोनों आ रहेंगे। हाँ और एक कोई जीतेगा? कौन लिख रहे हैं देखो, फिर तो इनेलो का भी निकल सका है, इनेलो भी निकल सका है। हाँ निकल सका है। तो वही नमस्कार जी। नमस्कार जी। के कुछ माहौल लग गए सर 2024 में लेके? जी अच्छा माहौल है कांग्रेस का, बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है और लोगों का रुझान एक तरफा कांग्रेस की तरफ है।
कांग्रेस में भी फूट हो रही, फिलहाल अलग अलग रास्ते अपनाने लग रहे हैं। नहीं पिंकी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लोगों का अपना अपना, सब नेता अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी ना, पहले तो दबी दबी बात थी, तो जमा थपड़म थपड़ा वाला काम हो रहा है। ना ना, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैं बताऊँ लोगों का नजरिया अपना देखने का, हर नेता अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो के लगा अपने उकलाने तो मैदान में कौन आवे है? उकलाने से देखो हाईकमान किसको टिकट दे रही है, अब मतलब अब हाईकमान का फैसला है टिकट किसको दे रही। अब पिछली बार जो सिस्टम था, मतलब 15-20 सीट गलत बंटवारा हुआ, उसके कारण सरकार नहीं आई, नहीं तो पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार थी। तो इस बार के लागे है, इस बार सीटों का आवंटन कौन करे है? नहीं, हाईकमान ने करना है। देखो सीट तो हाईकमान का फैसला सरोपरि है, हाईकमान वगैरह कुछ नहीं है। हाईकमान हमारे जो दिग्गज नेता हैं, चाहे उड़ा साहब हैं, चाहे बहन जी हैं, बहन कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी हैं, मतलब जो भी देखो बड़े जो नेता है ऊपर, मल्लिका अर्जुन खड़गे जी अध्यक्ष जी हैं, जो उनका फैसला है वो सरोमान जिताऊ कैंडिडेट किसने मानो फिर उकलाना से? देखो मौकेगा तो जो हम हल्का में घूमा हाँ, तो नरेश सेलवाल का ही जिक्र आओ है, लोगों का जो विपक्षी जो लोग हैं, दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं, चाहे JJP के हैं, चाहे BJP के हैं, उन नरेश का ही जिक्र करो, नरेश आ गया तो 100% जीत जाएगा। अगर सेल जावे है तो क्या माहौल रहेगा? नहीं, कांग्रेस की बहन जी आवे तो भी जीत जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं। अगर दोनों आमने सामने हो जाए हैं फिर दोनों आ रहेंगे, फिर दोनों आ रहेंगे, फिर तो देखो क्योंकि वही वोट उन्हीं वोटों पे नरेश सेलवाल चुनाव लड़ेंगे, उन्हीं वोटों पे बहन जी चुनाव लड़ेंगी, फिर वो बंटवारा हो जाएगा वोटों का, तो उसमें नुकसान कांग्रेस को जाएगा। तो के मानो हो किस तरह की राजनीति मतलब 2024 में होने वाली है, वोट सीट उकलाना बनने वाली है? बिल्कुल, ये पिंकी जी आपकी बात सही है, वोट सीट है, लोग मतलब असमंजस की स्थिति हो रही है, मतलब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है टिकट किसको, क्योंकि यहाँ 20 टिकटार्थी ऐसे नए नए टिकटार्थी आ रहे हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, मेरी भी टिकट है, मतलब लोगों में वोटर का मन मतलब अस्थायी सा हो रहा है, उनका मतलब अपना एक ये हो रहा है टिकट किसको मिले, हम किसका साथ लगे। तो बलराज कुंडू भी पंचग्रामी में कई बार लिया, उसने लेके के सोचा, क्योंकि उसका तो आपने एक बार भी जिक्र नहीं करे, इतनी मेहनत वो करने लग रहे हैं। नहीं, बलराज जी अच्छे नेता हैं, देखो बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब पूरा स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं बलराज जी, तो बलराज जी पंचग्रामी में एक कुंडू भाईचारे के हिसाब से आने लग रहे हैं, और यहाँ भी लोग देखो बलराज जी का भी अच्छा स्वागत कर रहे हैं। ऐसी बात, सिर्फ भाईचारे तो जोड़ के रखोगे कि राजनीति में भी साथ निभा दोगे? देखो लोग भाईचारा भी रख रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बलराज जी ने बस चलाई, बड़ा अच्छा काम किया। देखो पक्ष विपक्ष अलग चीज़ होती है पिंकी जी, जो देखो काम बोलता है जी। तो आज तक देखो काफ़ी मतलब हल्का में काफ़ी लीडर मंत्री भी आज मौके के, उनके बस की बात भी नहीं थी बस चलाना, ये एक बड़ी बात है। मंत्री ने भी ऐसी सुविधा नहीं की जो बलराज जी ने पंचग्रामी को जो बस दी है, बहुत बहुत अच्छा कार्य किया। और भी बातचीत करांगे मंत्री जी, तो नो कहने लग रहे हैं कि एक साल बचे ही काम करवा लो, पीछे 9 साल कोई गिनती है कौन की? मंत्री जी तो फिर वो बुरा मान जे मेरे पे, तो मैं कहे बिना पहले भी कहा करूं, मंत्री जी तो गोडा निवान को नहीं आओ, सबसे बड़ी मतलब और जो लीडर नरेश सेलवाल जी की है या और कोई और भी जो बेचारे टिकटार्थी हैं, हर जगह मतलब कैंड में आवे हैं, सुख दुख में लोगों का आओ, ब्याह शादी भी आवे हैं, तो मंत्री जी तो रोड पे दिखाई दे, वो भी मतलब दिखते नहीं। पहले आया करता, कौन आया करता मंत्री बनने? नहीं, मंत्री विधायक टाइम पे भी लोगों के सुख दुख में नहीं आए, देखो उससे पहले ना, उससे पहले हाँ उससे पहले आते थे, उससे पहले बिल्कुल बिल्कुल पिंकी जी उससे पहले आते थे जी जी जी। तो भाई और भी साथी अपने गले मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करांगे कि सुन दो सेलवाना तो वोटे नहीं मांगने थे, जगल कांग्रेस की टिकट मिल जंदी जे क्लियर था ये। नमस्कार जी। नमस्कार जी, के कुछ माहौल लागे जी 2024 की राजनीति लेके? ये तो हजारे निकम्मे जी, इनके तो वोट देने नहीं हमें, कौन नया चेहरा निकम्मे? बीजेपी वाले जमा निकम्मे है। और JJP है? ये तो छोड़ दे जिक्र, जमुना पार कहे थे, जमुना पार आपे गए हैं, आपे गए। हां दुष्यंत को नहीं अच्छा लगे? ना ना, ये शिखर में कहने गया उरे कर दी। हां उरा को नहीं आवे कई बार तो शिखर में कहने गया, वो मेरा था तो लठ लेके पड़े दाट तेरे गल्ला। राजस्थान वाले ने के सच्चाई कौन बेरा है? राजस्थान वाले ने राजस्थान वाला बड़ा रह रहा ढीली पे रह रहा। हां बेरा पेट जगह होती
तो किसका माहौल लगा आपने? माहौल तो जी देखा आने वाली बताओ टाइम इबो कोई माहौल नहीं, किसी का भी माहौल नहीं है। नहीं जी, कैंडिडेट कौन कौन मैदान में मेहनत करने लग रहे हैं? अगर जी कैंडिडेट तो देखे फिलहाल तो है कांग्रेस की जी। हाँ जी, मेहनत कौन से कैंडिडेट करने लग रहे हैं चारों पार्टियां? ये तो मतलब नूप तो आओ है चाहे ना आओ उसका तो कोई प्रभाव नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं, नहीं कोई उसका प्रभाव नहीं है। बाकी बैदियाँ आम है सरकार आनी कांग्रेस की, कांग्रेस की आनी। हाँ जी, कांग्रेस का टिकट कौन ले इसका है मैदान में, कौन मेहनती कैंडिडेट? देखो जी कोई सलजा ले होगी के मतलब मैं इनमें दो सेल वाला चाहिए हूँ, मतलब सेलजा और सेल वाला का आप जिक्र करो, अगर दोनों आमने सामने आ जाए तो क्या कंडीशन रहोगे? जितना तो एक ना है जीती कौन सा जीतो से आमने सामने आओगे फिर भी जीते, फिर भी जीतेंगे। तो वही ये था बलराज कुंडू भी काफी एक्टिव रहने लग रहा है पंचग्रामी में, कई बाल या और अच्छा सहयोग भी देने लग रहा है, उसके लिए क्या माहौल? उसके लिए जो आने वाला टाइम बताओगा ये तो मतलब कौन सा नहीं बताया सीख गया, कुछ भी क्लियर नहीं है अभी? नहीं नहीं अभी तो कोई क्लियर नहीं है, आने वाला टाइम के बेरा बलराज कुंडू का ही जीत जी इसमें कोई, हाँ उसका है दोनों बता, सेलवाल टिकट को नहीं मिली इतनी मिल गई के नाम से सल जाना क्या ना इसकी फिलहाल है बाला खेदड़ में। नहीं नहीं ईब की बात करा जो ईब है नहीं जो इसी में नूप ने मिली। हाँ। तो सल वो नूप से तो सिलवा ने तो वोटे नहीं मांगने थे जगल कांग्रेस की टिकट मिल जाती जे क्लियर था, पर सोच भी ये रहा था वो बमने टिकट मिलेगी। तो भाई ये सर्वे आपने, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ये कुछ माहौल लगा जी 2024 की राजनीति में? क्लियर कांग्रेस जी, क्लियर कांग्रेस, क्लियर कांग्रेस। टिकट किसने मिला फिर? ग्याल कभी कांग्रेस था मुख्यमंत्री कोई बड़ो सरकार कांग्रेस की बननी है, सरकार कांग्रेस की है। और भी रहे है? एंडिंग करती फिर। तो भाई ये देखा आपने उकलाना हल्के का सर्वे पाबड़ा गांव से, पंचग्रामी का सबसे बड़ा गांव पाबड़ा गांव का सर्वे आपने देखा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।